प्यार की लुका छिपी। नीति की मेहंदी में दीवाने हुए राजीव और परी। कलर्स के सीरियल परिणीति में आज है नीति और शैली के मेहंदी की रस्म, जहां नीति सज धज कर आती है और उसे लगता है कि संजू उसे देखकर दीवाना हो गया है। लेकिन जैसे ही संजू अपनी परी पर नजर डालता है तो उसे देखता रह जाता है और दोनों के बीच शुरू हो जाती है आंखों ही आंखों वाली मोहब्बत। नीति की मेहंदी है और एज यूजुअल हम बहुत हैप्पी है, बिकॉज मैं इसलिए हैप्पी हूँ बिकॉज नीति हैप्पी है। परी को तो ऐसे ही लग रहा है कि नीति इज़ हैप्पी और वो एक अच्छे घर में जा रही है, जो परी का सपना था सो वो हो रहा है। सो परी नीति बहुत खुश है एंड शी इज़ ऑल हैप्पी। लेकिन चीज़ें ऑन द बैकफुट में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। दिल से तो बिल्कुल नहीं कर रही है नीति शैली से विवाह, और उसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, शौक नहीं है उसे कि ये रस्में भी हों। रस्में वो बिल्कुल नहीं चाहती कि हो शैली के साथ, वो चाहती है कि संजू के साथ हो। तो अभी देखना वो एक और गेम खेलेगी और कहेगी कि मेरी मेहंदी का डिज़ाइन तो मेरे जीजू ही पसंद करेंगे। भाई नीति तो अपनी चाल चलने में बाज नहीं आ रही, लेकिन परमिंदर ताई वो सब जानती है, इसीलिए तो लगा रही है नीति को फटकार। तो जानबूझकर उन दोनों के बीच में खड़ी थी ताकि वो एक दूसरे को देख ना सके। किसी से बात कर रही थी, मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैं जीजू और अपने के बीच में आ गई। फिलहाल तो नीति के षड्यंत्र का पावर बढ़ गया है क्योंकि बीजी का उसे साथ मिल गया है। खैर ये दोनों मिलकर कोशिश कितनी भी कर ले राजीव और परी के बीच में आने की, लेकिन अब उनके बीच कोई आ नहीं सकता क्योंकि दोनों को एक दूसरे से प्यार जो हो गया है। और आज तो परी नाराज भी हो रही है, वो भी जेलसी के कारण, और देखिए कैसे संजू उसे छेड़ भी रहा है। परी बात क्या है? मैंने तुमसे पूछा था ना कि मैं मेहंदी की कौन सी डिजाइन लगाऊं, लेकिन तुम नीति के लिए डिजाइन सिलेक्ट कर रहे थे। सीरियसली? हाँ सीरियसली, और इसमें शौकने वाली कोई बात नहीं है। मैं तुमसे पूछे जा रही थी लेकिन तुम तो बस, मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है राज। जेलसी? आज लाइफ में पहली बार मैंने तुम्हें जेलस देखा है। परी बिल्कुल कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो होंगे, ऐसे प्लेन प्लेन तो फिर खाली खाली हो जाएगा। कुछ ना कुछ ट्विस्ट होंगे, कुछ ना कुछ ड्रामा होगा, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा, दैट वी कैन अश्योर। देखो अब ये तो फायदा है कि दोनों का नाम एस से स्टार्ट होता है, तो अब एस ही लिखवाएगी नीति, तो वो संजू के नाम का लिखवा रही है लेकिन शैली बेचारा सोचेगा कि उसके नाम का है। भाई नीति ने चाल तो बड़ी तगड़ी चली है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि शैली को कहीं न कहीं डाउट हो गया है संजू और नीति के रिश्ते का। तभी तो वो मोंटी से जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर संजू और नीति एक दूसरे को कैसे जानते हैं। फिलहाल मोंटी यही बात संजू को भी बताता है, लेकिन संजू इस बात को नजरअंदाज करते हुए नीति और शैली की मेहंदी की रस्म में शामिल है। तो देखना होगा अभी और कितने ट्विस्ट आएंगे।
मुंबई से पायल रूपानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आप सबकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।